हेलो भाई, मैं हूँ आदित्य राज। भाई, किसी गाड़ी का सक्सेसफुल होने के पीछे सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि गाड़ी बहुत अच्छा हो, लुक वाइज बहुत अच्छा हो और आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करे। भाई, गाड़ी का जो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को टाटा बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। उसी को देखते हुए भाई, टाटा नेक्सॉन अपने सामने गाड़ी है, इसमें 10 से ज़्यादा वेरियंट आते हैं और सामने जो अपने आप देख रहे हो XM+S, भाई ये जो वेरिएंट है ना, 9,85,000 रुपये एक शोरूम और बाकी 11,500 जाते जाते आपको ऑन रोड पड़ता है। इसमें आपको लगभग सारा जरूरत का चीज़ मिल जाता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो, साइड मिरर में इंडिकेटर हो, या फिर हो आपको सनरूफ, सब कुछ आपको मिल जाता है। टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो भाई, बंदा के पास अगर उसका बजट है 7 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में, तो भाई वो नेक्सॉन की तरफ आ ही जाता है, क्योंकि उसको उसी अपने बजट में ऊंचा गाड़ी मिल जा रहा है। अगर किसी का बजट 7 लाख 7.5 लाख है तो उसको भी नेक्सॉन मिल जाएगा बेस मॉडल, और किसी को पास 10-12 लाख है तो भाई उसको भी नेक्सॉन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक ठाक फीचर के साथ। तो भाई बंदा इसीलिए अपना फेवरेट गाड़ी छोड़ के नेक्सॉन की तरफ आ जाता है, और नेक्सॉन कहीं ना कहीं लुक में भी बहुत अच्छा है और अपना एक तरह से सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है आपको, तो बंदा इसकी तरफ खींचा चला आ ही जाता है। सारा कुछ तो बात करेंगे भाई कि किसमें क्या क्या आपको मिल जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई हेडलाइट से। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है हेलोजन में, और यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा, DRL आपको मिल जाता है, और नीचे आप देखोगे तो फॉग लैम्प तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है सो हेलोजन में मिल जाएगा। सामने आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में, नीचे आपको मैट में आप देख रहे हो आपको यहाँ मिल जाता है ये चीज़। ये सारा भाई बात हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलता है और यहाँ पे मैट में है थोड़ा सा। नीचे थोड़ा टायर प्रोफाइल का बात कर लेते हैं, तो भाई टायर में आपको स्टील रिम मिल जाता है व्हील कैप के साथ, 195/60/16 इंच का इसमें आपको टायर प्रोफाइल मिलता है। और भाई यहाँ देख लो, यहाँ पे आपको साइड मिरर में ही इंडिकेटर मिल जाता है, पूरा आपको मैट फिनिश है इसमें। भाई क्रोम फेंक के मारेंगे हम लोग, एक नंबर हो जाएगा। यहाँ पे डोर हैंडल भी आपको ब्लैक आउट मिलता है, इसमें भी भाई क्रोम फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई थोड़ा ऊपर साइड देख लो, आपको रूफ रेल मिल जाता है, सार्क फिन एंटीना आपको ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा। यहाँ पे आपको भराएगा पेट्रोल, जो कि 44 लीटर का इसका टैंक है। और भाई बैक लुक का बात करो, भाई जितना यहाँ पे रेड आपको दिख रहा है ये इसका टेल लैंप है। यहाँ पे आप क्लोज से आप देखोगे तो भाई यहाँ पे इसका इंडिकेटर हैलोजन में, यहाँ पे इसका ब्रेक लैंप और यहाँ पे रियर गियर लैंप आपको मिल जाता है। नेक्सॉन का बैजिंग यहाँ पे आप देख रहे हो क्रोम में। नीचे साइड आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है, रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा, और भाई किसी तरह कैमरा आपको नहीं मिलता है, डिफॉगर आपको नहीं मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है। तो अब भाई हम लोग चलते हैं इसके पैसेंजर साइड डोर में, और पैसेंजर साइड डोर में बैठ के और भाई हम लोग देखते हैं कि इसमें फीचर वगैरह आपको कैसा मिलता है, क्योंकि भाई जरूरी तो फीचर ही है ना। तो भाई यहाँ से चलते हैं हम लोग इसके पैसेंजर साइड डोर में, और भाई देखो कुछ इस तरह का आपको डोर मिल जाता है। इसमें सारा कुछ प्लास्टिक फिनिश है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा सॉफ्ट में है और ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में, सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में आपको मिल जाता है इसका डोर हैंडल, और यहाँ पे आप देखोगे पावर विंडो तो मिल ही जाता है, स्पीकर आपको मिल जाता है और एक ट्विटर भी आपको मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अंदर बैठ लेते हैं, और भाई थोड़ा स्पेस और सीट ये दोनों का बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ से आप इसको बंद करोगे ना, तो एक तो जो आपको थर्ड सुनाई देगा वो आपको बैठ के आपको लगेगा कि हाँ भाई क्या मस्त गाड़ी में बैठे हैं, सेफ गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ पे आप देख लो भाई, आपको एसी वेंट्स मिल जाता है, ग्लोसी फिनिश साइड में, बीच में आपको जगह थोड़ा सा मिलता है लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। ये सारा भाई बात हो गया। बोतल होल्डर भी आपको मिल जाता है, मैंने आपको बता दिया। ये तो अब ये सारा कुछ तो अब आम बात है भाई। सीट वगैरह का बात हम लोग भाई आगे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक से आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। भाई ये सारा बात हो गया, स्पेस वगैरह भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, लेग स्पेस आपको अच्छा मिलता है। भाई मैं आगे बैठूंगा ना जब, और जब सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे हम लोग, तब भी मैं पीछे बैठ के एक बार दिखा दूंगा आपको कि स्पेस वगैरह कैसा मिलता है। इसमें भाई एक प्रॉब्लम है हेडरूम का, हेडरूम इसमें आपको थोड़ा कम मिलता है। अगर कहीं पे जंप हुआ गाड़ी तो सर आपका टच हो सकता है। ये भाई जो बात है जो बात है भाई, झूठ वाला बात नहीं, गाड़ी अच्छा है लेकिन हेडरूम का थोड़ा सा इसमें कमी है। अब भाई चलते हैं थोड़ा बूट स्पेस इसका देख लेते हैं, ठीक है, कि बूट स्पेस इसमें आपको कैसा मिलता है। तो भाई बूट इसका यहाँ से खुलता है, जैसे मैंने आपको बूट खुल गया भाई। अब चलते हैं थोड़ा इसका बूट स्पेस देख लेते हैं, तो भाई खुलेगा कि नहीं खुलेगा पहले तो ये प्रॉब्लम है। तो भाई यहाँ से इसका बूट खुल गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा 340 लीटर का भाई इसमें बूट स्पेस आपको मिलता है, और भाई जगह स्पेस आपको अच्छा खासा मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है 3 kg 3 kg, और यहाँ पे भी यहाँ पे आपको लैंप मिल जाता है। और भाई जब इसका हम लोग स्पेयर व्हील देखेंगे ना, तो स्पेयर व्हील में आपको 195/60/16 इंच का इसमें आपको मिल जाता है स्टील रिम, सेम प्रोफाइल है जो कि प्रोफाइल गाड़ी में लगा हुआ है। तो भाई ये सारा बात हो गया। फिनिशिंग वगैरह भी भाई देखो, फिनिशिंग आपको बहुत अच्छा मिल जाता है भाई,
ये चीज मुझे हमेशा से शिकायत रहता है किसी भी गाड़ी से, भाई कॉस्ट कटिंग के चक्कर में फिनिशिंग खराब मत करो, फीचर वाइज थोड़ा कम कर दो, लेकिन ये सारा कुछ जो फिनिश है ना, जैसे ये देखो ये सारा कुछ फिनिश आप देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो आप एज टू एज एकदम कम्प्लीट है, लेकिन किसी किसी गाड़ी में भाई ये चीज़ कम रहता है। अब भाई सारा कुछ बात हो गया, अब हम लोग चलते हैं भाई इसके ड्राइवर साइड डोर में, और ड्राइवर साइड डोर से मेन जो इसका फीचर वगैरह है ना, वो सारा चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डोर का बात कर लेते हैं, तो डोर जैसे कि मैंने आपको बताया ही, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्लॉसी सिल्वर फिनिश में आपको मिल जाता है, बाकी आपको प्लास्टिक है। ठीक है भाई, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, और भाई यहाँ से जब आप देखोगे ना, तो यहाँ आपको मैनुअल सीट एडजस्ट करने का मिलता है, ठीक है। और भाई यहाँ से जब आप बैठोगे, थोड़ा सा ऊंचा भी है, 209 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो भाई यहाँ से अपन इसको बंद कर लेते हैं। तो भाई लगभग हम गाड़ी में अब हम लोग बैठ चुके हैं। यहाँ का सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आपको स्पीकर ट्विटर मिल जाता है, यहाँ से कंट्रोल होगा आपका ये साइड का ORVM, और भाई कैमरा यार बहुत ख़राब। तो भाई ये सारा बात हो गया, और भाई कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है इसका इंटीरियर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है भाई। आप ये नहीं कह सकते हो भाई, कहीं से भी आप देखो ना, कॉस्ट कटिंग कहीं से नहीं किया गया। देखो भाई ग्लॉसी फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश है, ये सारा ग्लॉसी फिनिश है भाई। सबसे पहले मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो भाई कुछ इस तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है, देख रहे हो भाई, भाई देख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने में लग रहा है। ठीक है भाई, तो भाई सारा कुछ समझते हैं, सबसे पहले क्या क्या इसमें आपको चीज़ मिल जाता है। तो भाई यहाँ से जब आप देखोगे ना, तो आपको सबसे पहले सबसे राइट साइड में आपको फ्यूल का मिल जाता है, उसके ऊपर आपको टेम्परेचर मिल जाता है, सबसे लेफ्ट में आपको RPM मीटर मिल जाता है, और बीच में आपको स्क्रीन मिल जाता है फुल्ली डिजिटल, और वो सारा कुछ भी फुल्ली डिजिटल ही है। तो बीच में आपको स्पीड मिल जाता है, नीचे साइड आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह मिल जाता है, सारा का कंट्रोल आपको यहाँ से हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से एवरेज आपको शो कर रहा है, यहाँ से आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है, रिफ्यूल का दिखा रहा है, और लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है ट्रिप ए ट्रिप बी, टाइम ऊपर आपको मिल जाता है, और भाई इसमें इंजन लाइट और ये सारा कुछ मिल जाता है। लाइट का कंट्रोल आपको यहाँ से हो जाएगा, और वाइपर का कंट्रोल आपको यहाँ पे हो जाएगा, और बीच में आप देखोगे ना भाई, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका स्टेयरिंग जो है ये आपको टिल्ट हो जाएगा, टेलीस्कोपिक नहीं होगा। तो भाई ये सारा कुछ बात हो गया भाई इसको, तो भाई अब थोड़ा स्टेयरिंग समझ लेते हैं। तो भाई स्टेयरिंग में आपको यहाँ पूरा ग्लोसी फिनिश मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको हॉर्न, मतलब लेफ्ट और राइट बीच में आपको हॉर्न का इसमें नहीं मिलता, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम का, और सारा कुछ लगभग सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, कॉल डिक्लाइन, कॉल एक्सेप्ट, और यहाँ पे आप देख रहे हो आपको वॉइस कमांड मिल जाता है, और यहाँ पे आवाज़ कम या ज़्यादा करने का मिल जाता है। अब भाई थोड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को समझ लेते हैं। तो भाई जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो थोड़ा सा एसी को साइड कर लेते हैं, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। भाई इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, तो भाई हरमन का आपको मिल जाता है, और हरमन का जो रिस्पॉन्स है ना, वो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, टाटा का सभी गाड़ियों में भाई यही हरमन का देना चाहिए, कहीं क्योंकि हैरियर वगैरह का उतना तगड़ा है नहीं। अब उसका नया जो आने वाला अपडेट वो कब तक आता है, जो ऑटो एक्सपो में हम लोगों ने देखा है, नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक डाल दे रहा हूँ, आपको जाके वो वीडियो देख लेना। भाई यहाँ पे कंट्रोल इसमें सारा कुछ मिल जाता है, और भाई इसका रिस्पॉन्स वगैरह भी अच्छा है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे जब आओगे ना भाई, तो आपको एसी वेंट्स मिल जाता है, नेक्सॉन का बैजिंग यहाँ मिल जाता है, और ये पूरा यहाँ पूरा ग्लोसी आपको मिल जाता है। मैनुअल एसी आपको मिलेगा, यहाँ पे 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स है 1.2 लीटर इंजन के साथ। इंजन का ही बात हम लोग करेंगे भाई, ये सारा कुछ बात हो गया। यहाँ पे आपको जब देखोगे तो भाई आपको 12 वोल्ट का चार्जर और USB केबल आपको मिल जाता है। तीन मोड आपको मिलेगा, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो आपको तीन मोड मिलता है इसमें, इको, सिटी और स्पोर्ट। भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा कप होल्डर टाइप का मिलता है, उतना जगह इसमें नहीं है, और भाई यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, और थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ भी मिल जाता है। और भाई सीट देख लो, मैंने आपको नहीं बताया था भाई, आपको फैब्रिक में सीट मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हो फैब्रिक आपको सीट मिल जाता है, और ट्राई एरो का थोड़ा सा डिज़ाइन है इसमें। बाकी कुछ यहाँ पे आपको थोड़ा सा अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, और भाई थोड़ा सा ग्लव बॉक्स का बात कर लेते हो। भाई ग्लव बॉक्स का टाटा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई, एक बार स्पेस देखो, इतना स्पेस आपको किसी गाड़ी में मिलेगा, देख रहे हो यहाँ से लेके वहाँ तक आपको पूरा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे कप होल्डर के लिए भी थोड़ा सा जगह दिया हुआ है, थोड़ा जगह यहाँ पे, स्पेस मैनेजमेंट ग्लव बॉक्स में बहुत तगड़ा है। तो भाई लगभग सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो भाई अभी थोड़ा इसका इंजन का बात कर लेते हैं। तो भाई इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 120 bhp का पावर जनरेट करता है भाई 170 Nm टॉर्क के साथ, तो भाई बहुत पावरफुल इंजन तो ये है।
और अगर माइलेज का बात करें तो भाई 17 का एवरेज कंपनी क्लेम करती है, और 3 सिलेंडर गाड़ी है तो भाई 13 का एवरेज तो मतलब 17 का एवरेज तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है। तो भाई जो चलाने का तरीका है ना आपका, उससे भी बहुत ज़्यादा माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। तो भाई ये ज़रूरी है कि आप, लेकिन 3 सिलेंडर जो गाड़ी है ना उसमें थोड़ा सा आपको एवरेज कम देगा, ये बात तो है। बाकी सारा कुछ मैंने आपको लगभग चीज़ बता दिया है। भाई ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको देखना है कि बेस्ट सेडान आपके लिए कौन हो सकता है, भाई लेफ्ट वाला वीडियो देखो।